पिताजी, ये आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने अपने उसूलों और ताकत के घमंड में आकर मेरी निर्दोष माँ की जान ले ली। आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली और मुझे यहाँ दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया। इतने सालों में आपको एक बार भी मेरा ख्याल तक नहीं आया। अपनी बेकसूर माँ का बदला लेने के लिए चाहे मुझे अपने बाप से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। दरअसल ये बात कुछ वर्षों पहले की है। गोरखपुर जंगल में रहने वाला रणधीर शेर घमंडी, ताकतवर और बेरहम कट्टर दिल राजा था। रघु रणधीर का इकलौता बेटा था जिसे वह अपनी तरह ताकतवर, बेरहम और कट्टर बनाना चाहता था। लेकिन एक पिता के लिए अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव रणधीर की पत्नी रुमझुम शेरनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। रुमझुम अपने बेटे रघु को एक बहादुर, ईमानदार और रहमदिल राजा बनाना चाहती थी। एक दिन रघु जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ रणधीर शेर आता है। रणधीर रघु को जानवरों के बच्चों के साथ खेलते देख गुस्से में आकर एक जोर की दहाड़ लगाता है। रणधीर की दहाड़ सुनकर सभी जानवरों के बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। रघु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम इन कमजोर जानवरों के बच्चों के साथ खेलना बंद करो। तुम एक राजा के बेटे हो, इन कमजोर जानवरों के साथ खेलकर तुम अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। अगर मैंने दोबारा तुम्हें इन कमजोर बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रणधीर रघु को लेकर रुमझुम के पास आता है। रुमझुम, ये मेरा बेटा होकर उन कमजोर जानवरों के साथ खेलता है, मैं इसे गोरखपुर जंगल का सबसे ताकतवर और बेरहम राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। समझा दो अपने बेटे को, ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उस दिन रणधीर की अपने बेटे रघु के लिए ये सारी बातें दूर खड़ा कांचा बाघ सुन लेता है। कांचा जो रणधीर का सबसे बड़ा दुश्मन था। आखिर यही तो मैं चाहता हूँ, कैसा होगा अगर ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं? इन दोनों बाप बेटों के ख्याल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसी का मुझे फायदा उठाना होगा। वहीं एक दिन जंगल में एक गर्भवती गाय बहुत तेजी से भाग रही थी। कुछ शिकारी बाघ मानव उस गाय को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। गाय तेजी से भागती हुई मदद के लिए आवाज लगा रही थी, तभी दूर खड़ी रुमझुम शेरनी गाय की आवाज सुन लेती है। रुमझुम गाय को बचाने के लिए बाघ मानव के सामने आ जाती है। गाय जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अरे रुमझुम शेरनी, हट जाओ हमारे रास्ते से, ये गाय हमारा शिकार है। नहीं, ये मेरा जंगल है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर यहाँ शिकार करने की। ये सुनकर शिकारी बाघ मानव रुमझुम शेरनी पर हमला कर देते हैं। रुमझुम जैसे तैसे उन शिकारियों का सामना करती है, लेकिन शिकारी बाघ मानव तादाद में ज्यादा थे। रुमझुम अकेली उनका सामना नहीं कर पाती है और बहुत घायल होकर रुमझुम जमीन पर गिर जाती है। बाघ मानव रुमझुम को घायल करके वहाँ से भाग जाते हैं। जब तक रणधीर वहाँ पहुँचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बहने से रुमझुम शेरनी की वही मृत्यु हो जाती है। रणधीर खून से लथपथ अपनी पत्नी रुमझुम की लाश देख कर उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत हताश और निराश हो जाता है। वहीं पास में खड़ा कांचा बाघ ये सब देख रहा था। लोहा गर्म है, यही मौका है और थोड़ा मार देता हूँ। कांचा उसी समय रघु के पास पहुँचता है। रघु, तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारे बेरहम बाप ने तुम्हारी अपनी माँ रुमझुम को मार डाला है। तुम्हारा बाप अपने झूठे घमंड की ताकत में इतना गिर गया कि उसने तुम्हारा भी ख्याल नहीं किया। नहीं नहीं कांचा बाघ, ये तुम क्या कह रहे हो, पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। रघु, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर ऐसी यकीन नहीं होगा, आओ मेरे साथ। तब कांचा रघु को लेकर रुमझुम शेरनी के पास आ जाता है। रघु अपनी माँ की लाश देखकर अपनी माँ रुमझुम की लाश देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ माँ, ये आपको क्या हो गया माँ, अब मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मैं आपके बिना अब कैसे रह पाऊंगा। रुमझुम, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कमजोरों की मदद करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन देखो आज उसका क्या नतीजा हुआ। रणधीर रुमझुम की मौत से सदमे में था। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। रणधीर के वहाँ से जाते ही कांचा रघु के पास आता है। देखा रघु, अब शायद तुम्हें यकीन हो गया होगा, तुम्हारे अपने पिता ने अपनी झूठी शान के चलते तो तुम्हारी बेकसूर मासूम माँ को मार डाला। मैंने ऐसा बेरहम बाप और कहीं नहीं देखा। अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कांचा की बात सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आता है। माँ, पिताजी ने आज अपनी झूठी शान और ताकत के चलते आपकी हत्या की है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं जल्द वापस लौटूंगा और रणधीर से तुम्हारी मौत का हिसाब लूंगा। ये कहकर रघु अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ये देखकर कांचा बहुत खुश होता है।
कांचा भागता हुआ रणधीर के पास आता है। महाराज, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपका बेटा रघु जंगल से कहीं बाहर चला गया है। कांचा, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर रघु अचानक से ऐसे कहाँ जा सकता है? महाराज, आप परेशान मत हो, मैं खुद रघु को तलाश करके आपके पास लेकर आऊंगा। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रघु का कोई अता पता नहीं था। रणधीर अपने बेटे के चले जाने से बहुत दुखी था, वो एकदम टूट सा गया था। वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर कांचा बाघ धीरे धीरे गोरखपुर जंगल में अपनी एक बड़ी सेना बना लेता है। हो 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 हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रघु के जाते ही उस रणधीर का गमन चकनाचूर हो गया। उसमें अब इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो मेरा सामना कर सके। जल्द वो अपने बेटे के गम में खुद ब खुद मर जाएगा। अब ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ रघु अब बड़ा हो जाता है और एक ताकतवर और निडर शेर बन जाता है। लेकिन रघु को आज भी अपनी माँ की मौत का बदला याद था। पिताजी, ये आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने अपने उसूलों और ताकत के घमंड में आकर मेरी निर्दोष माँ की जान ले ली। आपने मुझसे मेरी माँ छीन ली और मुझे यहाँ दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। इतने सालों में आपको एक बार भी मेरा ख्याल तक नहीं आया। अपनी बेकसूर माँ का बदला लेने के लिए चाहे मुझे अपने बाप से ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रघु एक दिन अपने जंगल वापस लौटता है। जब ये बात कांचा को पता चलती है तो कांचा अपने सिपाहियों के साथ रघु को रोकने आता है। अरे रघु, तुम जिंदा हो, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन रघु, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे पिता के ये सिपाही अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कांचा, चाहे कितने भी सिपाही क्यों ना हो, मैं अपनी माँ का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर कांचा के सिपाही बाघ मानव रघु पर हमला कर देते हैं। रघु कांचा के सारे सिपाहियों को एक एक करके मार डालता है। इतने में रणधीर वहाँ आता है। रघु को देखकर रणधीर हैरान हो जाता है। रघु, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो, तुम इतने सालों से कहाँ थे, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। रणधीर शेर, बंद करो अपना ये झूठे प्यार का दिखावा, मैं सब जानता हूँ। पहले तुमने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला, फिर तुमने मुझे दर्द दर्द की ठोकरें खाने के लिए जंगल से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरे माँ के हत्यारे हो, आज मैं तुमसे उस सब का हिसाब लूंगा। रघु, बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। रणधीर रघु को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रघु के अंदर तो पद्दे की आग जल रही थी। रघु अपने पिता रणधीर पर हमला करने लगता है। रणधीर रघु के हमले से बचने की कोशिश करता है, तभी इतने में तेजी से दौड़ती हुई गाय वहां आती है। रुक जाओ रघु, ऐसा मत करो, भगवान के लिए रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रघु, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम्हारी माँ रुमझुम को मारने वाले तुम्हारे पिता नहीं, बल्कि ये कांचा बाघ है। ये सब इस कांचा बाघ ने किया है। एक दिन मैंने इसे अपने सिपाहियों के साथ बात करते सुना था। सिपाहियों, जाओ और उस रुमझुम शेरनी को जान से मार डालो। मैं जाकर रघु को रुमझुम की मौत का जिम्मेदार उसके पिता रणधीर को बताऊंगा। ये सुनकर रघु अपने पिता से नफरत करने लगेगा और इस तरह मैं दोनों बाप बेटों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए एक दूसरे की जान ले लेंगे और फिर ये जंगल मेरा हो जाएगा। इस कांचा ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है, इसने ये सब तुम दोनों को अलग करने के लिए किया। ये देखकर कांचा को बहुत गुस्सा आता है। कांचा गाय पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले रघु कांचा पर जोरदार हमला करता है और कांचा को वहीं जान से मार डालता है। रघु अपने पिता रणधीर से क्षमा मांगता है। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। कांचा की बात में आकर मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। नहीं बेटे, भला हो इस गाय का जो इसने सही समय पर आकर तुम्हें रोक लिया, वरना आज न जाने क्या अनहोनी हो जाती। रणधीर अपने बेटे रघु को माफ कर देता है और फिर रघु और रणधीर अपने जंगल में रहकर हंसी खुशी फिर से अपने जंगल को संभालने लगते हैं।